पागलपंथी विद्रोह पढ़ाएंगे, डिटेल्स में टेंशन नहीं लेना है। आपका विद्रोह पढ़ाएंगे, रमोसी विद्रोह, संताल विद्रोह, डे विद्रोह पढ़ाएंगे, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, नीर विद्रोह, कितना पढ़ाएंगे आप लोग कंफ्यूज कर लीजिएगा, समझ गए। अरे इंपोर्टेंट सब पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। पागलपंथी विद्रोह क्या हुआ? एक पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की थी? पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? करम सातिल। दूसरा फिर है फराजी आंदोलन, ये आंदोलन है, कहता फराजी कौन थे? कहता हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी क्या कहलाते थे? फराजी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फराजी। फिर है रमोसी विद्रोह, कहता रमोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट में दिक्कत नहीं होता है, नहीं सर। क्या है पश्चिमी घाट सर? समझ गए। कहता है बघेला विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में। कहां में? बड़ौदा में। बघेला विद्रोह कहां में? बड़ौदा में। कहता भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित हुआ, क्या करने और बड़ा। कहता है बघेला विद्रोह कहां हुआ था? बड़ौदा में। बघेला विद्रोह कहां में? बड़ौदा में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुआ था? सबसे पहला एक्ट कब? 1821 में, 1867 में, 1878 में और 1908 ईस्वी में। मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज क्या करता था? मीडिया को नियंत्रित करता था अंग्रेजों को। कोई भी ऐसा अंग्रेज भारतीय जो मीडिया थी वो क्या करती थी? अंग्रेजों का काला चीज जो कलम कर रहा था उसको मीडिया में छाप देता था। तो मीडिया पे प्रतिबंध लगाया था इसने अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जो एक्ट बनाया था 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 ईस्वी में। उसके बाद कहता है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, किसकी रणनीतियों पे? कांग्रेस रणनीति कुछ नहीं। कोई कहता था हम क्या करेंगे? अहिंसा के अनुसार करेंगे। कोई कहता था हमने मारपीट के करेंगे। तो कांग्रेस का विभाजन हो गई ना, तो कांग्रेस का जो रणनीति था उसी रणनीति के कारण क्या होता, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। न्यू लैंड फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। किसने? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने न्यू लैंड ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला एक लेख लिखा है, पत्रिका लिखा है, उसी पत्रिका में कहता है सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। किसने? अरविंद घोष ने। अगला कहता है रिपोर्टों की पूर्ति करें, नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, इसका विषय क्या था? कहता मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कहता है। नेहरू रिपोर्ट जो पेश किया गया था, समझ गया, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आपको इसी क्रम में पढ़ाएंगे, आपको समझ गया क्या हो जाता है। भारतीय एक व्यक्ति थे हमारे भारत के तरुण बात करते थे, भारत के सचिव अंग्रेज में, उसका नाम था लॉर्ड बर्कनहेड। उसका क्या नाम था? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड भारत आया, साइमन कमीशन नाम सुने हैं? साइमन कमीशन का विरोध अगर अभी चर्चा करेंगे, समझ गए। फिर अभी पकड़ में आए ना, आगे बताएंगे। लॉर्ड बर्कनहेड आए थे, अंग्रेज का जो भारत का सचिव हुआ करता था, यहाँ आया था अंग्रेज। देखो अंग्रेज जाता था वहां पे ब्रिटेन, उसको बोलते थे भारत का सचिव, भारत के मामलों को देखना। तो भारत का सचिव का तभी लॉर्ड बर्कनहेड वो आया था और आके मोतीलाल नेहरू से मिला। मोतीलाल नेहरू के जाके चल, मोतीलाल नेहरू ने बोला कि सर जी ऐसे ऐसे बात है, सो हमारे देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं। बोला काहे आंदोलन कर रहे? बोला ये लोग चाह रहा है कि स्वराज का स्थापना करें। किसका स्थापना करें? स्वराज का। स्वराज माने अपना राज्य। बोला स्वराज की स्थापना करने की बात कर रहा है हमारा जनता, इसी वजह से आंदोलन कर रहा है। बोला स्वराज क्या होता है पता है तुमको? अंग्रेज बोला है, बोला बर्कनहेड। अब मोतीलाल नेहरू ठहरा वकील, समझ गए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सब वकील, महात्मा गांधी वकील, वकील से भरा है हमारा संविधान का, जितना भी व्यक्ति है संविधान सभा बनाया है सब व्यक्ति वकीलों का ही बोलते थे उसको। और वकील से बदलती कर ले सकता है कुछ, उसको बोलने का ही पैसा देता है, समझ गए, और उसका काम ये बोलना। बोला क्या दिक्कत है इसमें? बोला स्वराज माने होता है कि संविधान के अनुसार चलाओगे, संविधान बना लोगे। तो मोतीलाल नेहरू बोला हाँ बना लेंगे। बोला ठीक है तुम बना के लाओ, एक शर्त है, अगर तुम बना दिया संविधान का, संविधान बना के तुम इसमें क्या करना, जितने भी भारतीय राजनीतिक पार्टी है, कभी मुस्लिम लीग था, यूनियनिस्ट पार्टी था, समझ ले कृषक प्रज्ञा पार्टी था, कांग्रेस पार्टी था, बोला सब पार्टी से तुम सिग्नेचर करवा लेना, सब भारत के जितने भी पार्टी है सब सिग्नेचर करेगा तभी मानेंगे हाँ मान लो है सही संविधान है। लॉर्ड बर्कनहेड को पता था इसको बोलेंगे सब कर देगा, लेकिन मुस्लिम लीग को करेगा नहीं, समझ गए। तो लॉर्ड बर्कनहेड ने बोला क्या जो संविधान बना,
और चैलेंज स्वीकार किया, मोतीलाल नेहरू आया और मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्ताव प्राप्त किया जैसे संविधान का बनाते हैं उसी को रिपोर्ट बनाया, उसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, समझ लो उसी को क्या बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, हमारे संविधान का सबसे पहला ब्लू प्रिंट बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट में, और नेहरू रिपोर्ट को बनाया उसमें सुभाष चंद्र बोस जेडी व्यक्ति शामिल था, और जाके जब पहुंचा सब पर राजनीतिक पार्टी के पास, राजनीतिक पार्टी के पास जब बोलता सिग्नेचर करो तो मोतीलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना बोलता हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, सिंपल है, बोल रहा था हम मेरे लिए अलग देश बनाओ, अलग देश ऐसे बना देंगे, बात यही कब था 1928 का, बात कब का है 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्ताव पेश किया गया था। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा इस शर्त हार गया कौन, मोतीलाल नेहरू का ही बना के लिया ही, लेकिन मुस्लिम लीग ने सिग्नेचर नहीं किया तो मोतीलाल नेहरू इस शर्त हार गया, और मोतीलाल नेहरू जब इस शर्त हार गया ना कि बोला सब पार्टी का सिग्नेचर करवाओगे तभी मान्य होगा, एवं मुस्लिम लीग ने किया बोला शर्त हार गया, बोला ठीक है तुम औपनिवेशिक राज का दर्जा ले लो, स्वतंत्र राज नहीं रहोगे, औपनिवेशिक राज का दर्जा ले लो, औपनिवेशिक राज का दर्जा देने के लिए अंग्रेज क्या हुआ रेडी हुआ। इसी बीच में औपनिवेशिक राज समझते हैं, समझते हैं औपनिवेशिक राज डोमिनियन राज उसको इंग्लिश में बोलते हैं, औपनिवेशिक राज जैसे मान लीजिए हम हैं इस कोचिंग में, समझिएगा इस कोचिंग में हमको क्या करना है, सीधा समझिए आपकी मम्मी और आपके पापा, आपकी मम्मी घर में क्या क्या बनेगा खाना, घर में कौन सामान कहां पे रहेगा, किसका कपड़ा कहां रहेगा, घर में कहां फ्रिज रहेगा, कहां कूलर लगेगा, क्या जरूरत है कौन देखती है, मम्मी देखती है और पापा देखते हैं बाहर का मामला, पैसा कहां से आएगा, किसी से बिजनेस डील करना है वो कौन देखते हैं पापा, समझ लीजिए डोमिनियन राज उस देश को बोलते हैं जिसका आंतरिक मामला तो देश के लोग चलाते हैं लेकिन बाहरी मामला देखता है कोई दूसरा देश, जैसे ब्रिटेन बोल रहा था ठीक है तुम देश के अंदर शासन करोगे तो तुम अपने से शासन करो और विदेश से अगर जितना भी विदेश नीति है, संचार नीति है, रक्षा नीति है, युद्ध नीति है, सारा का सारा डिसीजन को लेंगे हम लेंगे, मतलब बाहरी मामला हम देखेंगे अंदर वाला मामला तुम देखना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं औपनिवेशिक राज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डोमिनियन राज। तो बोला देखो स्वराज तो नहीं देंगे लेकिन डोमिनियन स्टेट बना देंगे, बीच में तुरंत पूछ लिया कौन जवाहरलाल नेहरू, बोला पप्पा बिल्कुल नहीं, डोमिनियन स्टेट का तो दर्जा बिल्कुल लेना नहीं है। मोतीलाल नेहरू बोला न जो मिल रहा है ले लो, जो मिल रहा है ले लो, जवाहरलाल नेहरू बोला बिल्कुल नहीं लगे चाहे जो करना कर लीजिए। तो दोनों पप्पा और बेटा में हो गया भक्तों से, मतलब झगड़ा हुआ फिर कांग्रेस बट गया, एक युवा कांग्रेस एक बूढ़ा कांग्रेस, समझ गए कांग्रेस उसी को अच्छा बोल दीजिए अच्छा भाषा में, समझ गए एक बूढ़ा एक युवा कांग्रेस, और युवा कांग्रेस ने क्या किया रावी नदी के तट पे पहुंचा 1929 में, जाके बोला हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हमको डोमिनियन राज नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो पूरा का पूरा स्वराज चाहिए और किसी के हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का रावी नदी के तट पे 1929 में 31 दिसंबर को क्या कराया था झंडा फहराया था अपने पप्पा से बगावत करके, समझ गए तो देश के लिए बाप बेटा लड़ता था, समझ गए तो देश ऐसे आजाद हुआ नहीं, बाकी आगे पढ़े करेंगे आगे देखिए। वही इसी में कहता है कि नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया और उसका विषय क्या था संवैधानिक व्यवस्था यानी संविधान का व्यवस्था बनाना, समझ गए कौन किया था मोतीलाल नेहरू। अगला चलिए देखिए अगर इससे चर्चा करने लगे ना ढेरी हो, समझ गए कहता है देखिए कैथरीन मेयो एडल्स हेंसले चार्ल्स एंड्रू और विलियम डिग्नी के बीच आम रिश्ता क्या था, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा सर पड़ोसी की तमन्ना रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल सर पड़ोसी की तमन्ना, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने, पूर्ण स्वतंत्रता वही पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहली बार मौलाना हसरत मोहानी ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वही RSS, समझिए कम्युनिस्ट पार्टी ने क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचान लिया 1925 और 1925। कहता स्वामी शाहजहां सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर दिया था 1930 के दशक में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहता है देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा 1885 निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा, 1920-22 में और सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक या तीन उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी, उसकी जीत माने किसकी जीत अंग्रेज,
क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक हैं? धर्म के प्रतीक हैं। इनमें कौन बिहार का किस किसान नेता है? बिहार के कौन नेता है? स्वामी सहजानंद किसान नेता है। अभी जस्ट देखिए किसानों के लिए आया था जी, नहीं आया था स्वामी सहजानंद? आया था जी, अच्छा उस पर आए थे स्वामी सहजानंद, अभी आया था। अच्छा चलिए देखिए यहाँ आता है तो है स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग राष्ट्रीयकरण भी देखे 1930 में, कृषि से संबंधित है ना, भूमि और जलमार्ग थे। वही को कहता है किसान नेता कौन थे आपका, कौन नेता थे? स्वामी सहजानंद। किस आंदोलन में राहुल संप्रत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? कहां से थे? छपरा से। मतलब राहुल संप्रत्यायन कहां से आंदोलन कर रहे थे? छपरा से। कहता है आज देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है 1857 में दरभंगा डुमरा और हटवा के महाराजा और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की क्या की थी? मदद की थी। मतलब अंग्रेजों का मदद हमारे भारत के लोग कर रहे थे, बिहार का भी उसमें एक क्षेत्र शामिल था। तथा किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छन्नामा के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने? पीर मोहम्मद मुनीस ने। मैथ का है, छोड़ दीजिए आप इसको। त्रिभुज रेखा वृत्त कहता है लौंग पौधे में के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली से। लौंग जो लोग कहते हैं ना, लौंग कहां से? शुष्क पुष्प कली से। कहता है और को जीव संबंधित है किससे? कर्क रोग से। किस रोग से? कर्क रोग से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम। डीएनए को किसके अंतःप्रावरण में रखा जाता है? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? किसने? ऑथर कॉर्न बर्ग ने। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। विस्फोटक कौन सा प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम नागासाकी में 1945 में 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा में वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने? कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। कॉस्मिक किरणें कैसी कण है? आवेशित कण है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? तो कार्बन। सब में जितना सजीव है सब में कार्बन, जितना सजीव है सब में कार्बन। तीव्रता और प्रायिकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी कर सकता है? आयनिल विकिरण। एक स्वस्थ वयस्क में रक्त की कुल परिमाप कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण संक्रामक रोगों का। किस रोगों का? संक्रामक रोगों का। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहां में? ग्लाइकोजन के रूप में। जीवाणु की खोज किसने? ल्यूडेनहॉफ ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन। जीवों में अधिक विविधता कारण क्या? अनुकूलन। अनुकूलन मतलब परिवेश के अनुसार जीवों में विविधता होती है। किसके अनुसार? परिवेश के कारण। वही अच्छा एक अच्छा वर्ड लिखा है अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि कराने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है कौन सा? माइक्रो प्लाज्मा। कौन सा है? माइक्रो प्लाज्मा। अगला है सर्वप्रथम नव हृदय प्रत्यारोपण कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। वृक्क के प्रति मीटर मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस? ब्यूटेन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मानसिक स्वास्थ्य मंत्री, इसको छोड़ दीजिए। अब आ गया आपका करंट अफेयर ना, करंट अफेयर आ गया ना जी। राष्ट्रपति मुखर्जी भाव 2014। देखिए करंट अफेयर का वेटेज रहता है। चलिए अब बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। कहता है बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा। इनमें से किसको 2014 में यूरोपियन, हाँ कहता है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम राज कौन सा है? इन्हीं करंट अफेयर है, इन्हीं करंट अफेयर, करंट अफेयर ही है। ऊपर भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। ब्रिक्स है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर। हाँ विकलांग, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है किससे? मानव अधिकारों के संरक्षण से। अक्टूबर 2014 अंगोला, 2014 जुलाई, 2014 हो गया। ये भी करंट अफेयर है। आप देखिए करंट अफेयर, करंट अफेयर, विश्व राष्ट्रमंडल, फिर करंट अफेयर, खेलकूद, उत्कृष्टता, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंध है? हाँ चलिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप किसका था? खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है? बी ए स्मिथ। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां में? सारनाथ में। कहां में? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां में? लुम्बिनी में। कहां में? लुम्बिनी में। मृत्यु कहां में? कुशीनगर में। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है?
हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था भारत? वेनसांग। भाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, क्या है? एक मस्जिद है। तुजू के बाद किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान था। देखिए हकीम खान था, इस वजह से पूछता है, कहता है उधर अकबर था, उधर कौन था? अकबर था। इसका अपोनेंट अकबर था, मुस्लिम था, और इसका सेनापति भी एक कौन था? मुस्लिम था। इसको कराएंगे अगर होगा समय तो। शिवाजी की राजधानी का रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी। कल आपका किधर? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा था? किसने कहा था? चौरी चौरा घटना। कहता है बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सुनेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपका कौन देगा? एनी बेसेंट। भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, अगर आपसे पूछ देगा प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, और अगर पूछेगा डायरेक्ट महिला अध्यक्ष कौन है तो एनी बेसेंट। मैडम कॉमन 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पर आया था? स्टुटगार्ड में। कहां में? स्टुटगार्ड में। जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ड। कहां में? स्टुटगार्ड में। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन? कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ढेरी क्वेश्चन आता है। बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण? इंडिका पुस्तक के लेखक। पटना में किस गुरु का जन्म? रिपीटेड क्वेश्चन। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 1922 में कहां में? गया में। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोक नायक। सबसे बड़ी तटीय रेखा कहां का? कनाडा का। सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा का। हाँ ठीक है, विश्व में अगर इसमें रूस रहता कनाडा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? यूएसए। कौन सा देश? यूएसए। चलिए आइए, कहता है पेनाइंस यूरोप में, अपलेशियन पर्वत कहां में? अमेरिका में। अरावली पहाड़ी कहां में है? भारत में। किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो फोल्डेड पर्वत का। किस प्रकार का? फोल्डेड। इसी को बोलते हैं वलित पर्वत। इसी को क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। फोल्डेड मतलब वलन, समझ गए। वलित पर्वत का उदाहरण है कौन सा? इशारा का सारा। हिमालय भी किसका उदाहरण है? फोल्डेड पर्वत का, समझे। चलिए अब आगे कहता है, आगे कहता है राजधानी और नदी। कौन सा है? राजधानी यानी शहर है और इधर नदी है, तो सबसे पहला रोटरडम नदी। कौन सा? रोटरडम शहर। कौन सा? राइन नदी पे। पेरिस शहर किस नदी पे? सीन नदी पे। बुडापेस्ट कहां में? डेन्यूब नदी पे। और वाशिंगटन कहां में? पोटोमैक नदी पे। रोटरडम शहर, रोटरडम शहर कहां में? राइन। पेरिस कहां में? सीन। बुडापेस्ट कहां में? डेन्यूब। वाशिंगटन कहां में? सीन नदी पे। किस नदी पे? वाशिंगटन पोटोमैक नदी पे। इसको मिला ये 3-1-4-2, 3-1-4-2। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? सबसे बड़ा केंद्र धातु के व्यापार का तो कौन सा है? लंदन। अब आइए निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताइए जल्दी से। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती है क्या? ब्रह्मपुत्र कहां में गिरती है? ब्रह्मपुत्र कहां में? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहां में? गंगा कहां में? महानदी कहां में? कृष्णा कहां में? कावेरी कहां में? लूनी कहां में? नर्मदा कहां में? ताप्ती कहां में? ये और भी होगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां में? डिगबोई असम में। कहता है देखिए आ गया यारलुंग जंग पे, बोले थे यारलुंग जंग को पढ़ा है नहीं बोला? सांगपो या यारलुंग जंग को। देखिए आगे, भारत में यारलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ब्रह्मपुर नदी। के कौन सा सबसे बड़ा सूखा स्थान है? तो ले में, ले ले में वर्षा सबसे कम। भारत में सबसे वर्षा कम कहां में? ले में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में। हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं है। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहां में है? गुड़गांव में, महाराष्ट्र में। कहां में? गुड़गांव में, महाराष्ट्र में। ये आपका तभी का डाटा है वन वाला, ये भी आपका तभी का डाटा है। चलिए और ये लीजिए, भारत में प्रति व्यक्ति है क्या बोले? गुड़गांव। अच्छा हाँ, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। दिल्ली एनसीआर से ही बोले, हरियाणा में सुल्तानपुर हरियाणा। देखिए हम बोले वहां। चलिए भारत के प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर कितना है आपका? इसको आपका करंट है, छोड़ दीजिए इसको। अब इसको भी छोड़ दिया। नागार्जुन सागर, देखिए नागार्जुन बांध अभी जस्ट बोले, बोले नागा अर्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। बिहार में कितना वर्ग मीटर वर्ग वन क्षेत्र है? 2812। देखिए ये आपका डाटा 2014-15 का होगा, 2019 में नया डाटा वन रिपोर्ट आया है,
उसको आप याद रखिए। कहता भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न, मध्य प्रदेश उड़ीसा। झारखंड में झरिया क्षेत्र कोयला, झारखंड में झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। गंगा नदी से भी आप दिमाग लगाइएगा, गंगा नदी बक्सर में प्रवेश करती है, बाहर निकलती है किससे? कटिहार से। तो सबसे लास्ट में कौन सा है? कटिहार ही है। अगर आप देखिए आ गया, निम्नलिखित में से झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील है? अनुपम झील। कौन सी झील? अनुपम झील। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। मतलब वही पूछा है कि पंचायती राज का गठन किसके ने सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति। भारत में मध्य और अर्ध शतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल है भारी उद्योगों की स्थापना करना और पूंजी सघन में, इसका आपका इसका छोड़ दीजिए, इसका स्थापना पूछा मिलान कीजिए, समझ गए? इसका देखिए कहता भारत निर्यात आयात बैंक 1995 1964 1992 तो मिला ये एका तीन। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, उसके बाद है दो, इसका दो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, उसके बाद सी का 1982 का एक भारतीय निर्यात आयात बैंक, और 1987 में किसका हुआ है? डिस्का। चार औद्योगिक विकास औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। आगे सब आपका देखिए आपका इससे भी क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से कहता है इसको फिर मिलान कीजिए, स्तंभ एक देखिए एक आ किसे मिलाइए? दो में विदेशी व्यापार से ओपन जनरल लाइसेंस, ये सब लाइसेंस है, इसका किस किस में प्रयोग होता है? शब्द है, और शब्द का प्रयोग कहां का किससे संबंधित है? ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार से। उसके बाद ट्राइसन का प्रयोग कहां में? रोजगार में। थोक मूल्य सूचकांक किसमें? मुद्रा स्फीति में। और नगदी रिजर्व ऋण नियंत्रण में, किसमें? ऋण। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? वित्त मंत्रालय। प्रभावी राजस्व घाटा 11% ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का, किसका है? राजस्व व्यय का। 2014 का इसको छोड़ दीजिए, ये भी आपका 2003 का ग्राम सड़क वाला है, ग्राम श्रेणी वाला है। अब आगे आइए, ये भी 2013-14 विदेशी मुद्रा किसके निर्यात में आता है? देखिए भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? कपड़ा। भारत में कपड़ा का निर्यात क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो पैसा भी भारत में किससे आएगा? कपड़ा से। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन। कौन सा? तिलहन। तथा भारत में बजट घाटे को पूरा करने में सदर ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। RNA मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र से। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 और 1995 में। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपया तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना, इस सब इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स को दया एकदम पूरा मैथ के जैसा है। कहता माइक्रो लघु माध्यम 2006 का डाटा है, ये भी आपका उसी का डाटा है, उसको नहीं याद रखना है। ये भी 72-73 का डाटा है, ये आपका क्या निम्नलिखित समझौता? कहता निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए, ये सब समझौता उसी के समय में हुआ, जो आपका व्यापारिक समझौता होता है ना, ये व्यापारिक समझौता वही है ISLAFTA, भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता है। ये समझौता बहुत पुराना है, आप नया लेटेस्ट समझौता आप याद रखिएगा। कहता है हाँ किस वर्ष, ये भी आपका करंट अफेयर का, सब पॉलिटिक्स लिखने इकोनॉमिक्स से आपका कहां से क्वेश्चन लिया है? करंट अफेयर से 2002-03 का है, इसमें 2007 का डाटा दिया। देखिए बैंक दर ब्याज दर ये सारा भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार, ये भी क्वेश्चन है आपका उसी का, ग्रामीण क्षेत्रों में वही है आपका उसी का डाटा है, समझे? ये भी डाटा आपका उसी का। आर्थिक सर्वेक्षण जानते हैं ना सर, बोले कभी आर्थिक सर्वेक्षण? देखिए सब वही का डाटा है। राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति कब? 2000 में। उसके बाद कहता है सामुद्रिक मत्स्य नीति कब? 2004 में। नवीन विदेशी व्यापार नीति कब? 2014 में। सातवां वित्तीय आयोग कब? 1978 में। इस सब लेते लेते 2014 का डाटा दे दिया, तो करंट अफेयर पढ़ते रह गया। आर्थिक सर्वेक्षण होता है, क्या होता है? आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण जो आप पढ़िएगा ना, सुनिएगा, इकोनॉमिक्स में होता है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का बजट, और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, और बिहार का बजट। करंट अफेयर जो सर पर आते हैं उससे अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है जब एग्जाम नजदीक रहेगा ना तब, ताकि लेटेस्ट आपको क्या रहे? याद रहे। बाकी अभी जो सर करवा रहे हैं लेटेस्ट, आप जो आपका सर करवाएंगे तो आपको क्या रहेगा? याद रहेगा, समझ गए?